नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक की परीक्षाएं 25 मई से शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं 25 मई को जो भी जीके के और करंट अफेयर्स के सवाल आए हैं उन्हें। तो शुरू करते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस विंग से की थी? तो इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ। ध्यान देने योग्य बात ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो अभी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश के क्या हैं ये? मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं ये बने हैं 11 दिसंबर 2022 में। कब बने हैं? 11 दिसंबर 2022 में। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये दिया जाता है भारत गणराज्य का खेल कोचिंग सम्मान। क्या है ये? भारत गणराज्य का खेल कोचिंग सम्मान है ये। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी ये किन्हें दिया जाता है? जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है खेल कोचिंग सम्मान है ये, और जो हमारे कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। 2022 में ये किसे दिया गया है? तो ये नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि अब सवाल यहाँ से भी बन सकता है। तो सबसे पहले आते हैं जीवन ज्योत सिंह तेजा। सबसे पहले आते हैं जीवन ज्योत सिंह तेजा जी, और इन्हें मिला है तीरंदाजी के लिए। तीरंदाजी के लिए इन्हें क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। इसके बाद मोहम्मद अली कमर जी को मुक्केबाजी के लिए मिला है सुमा सिद्धार्थ शिरूर जी को मिला है पैरा निशानेबाजी के लिए। पैरा निशानेबाजी मतलब कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड निशानेबाज हैं ये उनकी कोच हैं, और उसमें इन्हें मिला है। और सुजीत मान जी को मिला है कुश्ती में। सुजीत मान जी का प्रश्न जो है ये हमारे एमपी पटवारी में भी आ चुका है। तो सुजीत मान जी को मिला है ये कुश्ती के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसके बाद में दिसंबर 2022 में जारी 2022 हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक रहा है 5वां। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला जो रैंक है वो आपका आया है अमेरिका का, दूसरे नंबर पर है चीन, नंबर दो पर है चीन, नंबर तीन पर है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो नंबर तीन पर है यहाँ पर हमारा जापान, नंबर चार पर ब्रिटेन, और नंबर पाँच पर आता है हमारा भारत। नंबर पाँच पर है भारत। इसमें पहले भारत की जो पोजीशन थी वो 9वीं पोजीशन थी, और वहाँ से अब उसने 4 पायदान की छलांग लगाई है और कहाँ आ गया है? नंबर पाँच पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान में संशोधन किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन लाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा लाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं संविधान के दोनों ही सदन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, और इन्होंने प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो कब करी थी? तो 1867 में इन्होंने
आत्मारंग पांडुरंग जी ने क्या किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन शुरू किया। अब क्योंकि प्रार्थना समाज से संबंधित सवाल आ चुका है तो ये बाकी के सवाल भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और बिल्कुल आगे की शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब ये जो सिक्किम राज्य है ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसके अलावा चीन के साथ और नेपाल के साथ। भूटान के साथ, चीन के साथ और नेपाल के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। अब ये बाकी के जो तीनों राज्य हैं ये किसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आया हुआ है तो ये भी आ सकता है। तो ये तीनों अपनी सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ ही अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हरदा ज़िले की प्रसिद्ध तेली की सराय किस जगह पर स्थित है? तो ये हंडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये हंडिया में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हरदा में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है भुआनी। भाषा कौन सी इस्तेमाल होती है हरदा में? हरदा ज़िले में जो भाषा इस्तेमाल होती है वो है भुआनी, और इस वजह से इस क्षेत्र को भुआना क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हरदा क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भुआनी भाषा के कारण हम हरदा क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, भुआना क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। माही नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो माही नदी की जो उत्पत्ति होती है वो मेहद से होती है, और मेहद क्या है? मेहद एक झील है। मेहद क्या है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मेहद क्या है? एक झील है जी। तो मध्य प्रदेश के धार जिले से, कहाँ से? मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, धार जिले से, वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो अमरोह की पहाड़ी है, नोट कर लीजिएगा, अमरोह की पहाड़ी है मध्य प्रदेश का धार जिला। धार जिले में अमरोह की पहाड़ी, कहाँ पर है ये अमरोह की पहाड़ी? एक यहाँ पर आप जैसे लैंडमार्क होता है वैसे आप यहाँ पर नोट करिएगा, सरदारपुरा के निकट, सरदारपुरा के निकट है ये। और ये अमरोह पहाड़ी किसकी पहाड़ी है? तो याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है हमारी, ये उसी का एक हिस्सा है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही क्या है ये भाग है, और यहाँ से क्या स्थित है यहाँ पर मेहद झील, और यहाँ से निकलती है क्या मेहद झील है यहाँ पर, नोट करिएगा फ्रेंड्स जी, मेहद झील है और यहाँ से निकलती है आपकी माही नदी। क्या निकलता है यहाँ से? हमारा माही नदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को क्या अधिकार देता है? तो ये अधिकार देता है संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश बनाने की या अध्यादेश की घोषणा करने का अधिकार देता है। किसकी? अध्यादेश की घोषणा करने की, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, कौन सा है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 123 जो है आपका वो किसको शक्ति देता है? राष्ट्रपति को, कि वो अध्यादेश जारी करे। और यहीं पर नोट कर लीजिएगा 213, इन्हीं अंकों को आप देखिए, थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो 213 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213 है, ये राज्य के राज्यपाल को ये शक्ति देता है, राज्य के राज्यपाल को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, राष्ट्रपति के कुछ अन्य अनुच्छेद। तो यहाँ पर है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तीन प्रकार से जो हमारे राष्ट्रपति जो है आपात स्थिति घोषणा कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर वर्णित है। राष्ट्रपति जो हमारे आपात द्वारा तीन प्रकार से आपात स्थिति की घोषणा, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो अध्यादेश लाए हैं वो हमारे कौन से राष्ट्रपति थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जी क्यों फेमस हैं भैया? क्योंकि सबसे ज़्यादा बार अध्यादेश, सबसे ज़्यादा बार अध्यादेश यही जो हैं हस्ताक्षर करके गए हैं। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 या 72, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। किसकी क्षमा शक्ति? राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 111 वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में अनुच्छेद 111, इसको भी नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक आ चुका है तो अब यहाँ पर आगे भी इससे संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, संदीपनी आश्रम जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से एक में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित था ये? उज्जैन में संदीपनी आश्रम आपका स्थित है। तो ऋषि संदीपनी से किसने? भगवान श्री कृष्ण ने और सुदामा जी ने क्या लिया था? दीक्षा ली थी और शिक्षा ली थी अपनी जी, और साथ में यहाँ पर बलराम भी थे उनके साथ, ठीक है। अब क्षिप्रा नदी की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि क्षिप्रा नदी जो है उज्जैन में क्या है? यहाँ पर क्षिप्रा नदी। जैसे ही उज्जैन का नाम आता है तो आपके दिमाग में दो चीज़ें जल्दी से आ जाती हैं, एक तो हमारे महाकालेश्वर का मंदिर और दूसरा क्षिप्रा नदी, माफ़ कीजिएगा। क्षिप्रा नदी। अब क्षिप्रा नदी जो है ये आगे जा कर के किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है, चंबल नदी में। तो चंबल नदी की क्या हो गई है? सहायक नदी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उज्जैन कहाँ पर स्थित है? तो मालवा के पठार में स्थित है, मालवा के पठार में। कहाँ स्थित है? तो मालवा के पठार में स्थित है। कौन? उज्जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी ये योजना का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से संबंधित है और इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ का है? ये हमारी हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? हरियाणा सरकार की योजना है। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि इसी नाम की एक और योजना है जिसका नाम है, नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना। और यह योजना कहाँ चलाई जा रही है? तो यह योजना चलाई जा रही है राजस्थान में। कहाँ चलाई जा रही है? राजस्थान में चलाई जा रही है। तो अगर आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है तो ये कहाँ पर है? ये है आपकी हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और आपकी बेटी योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इस योजना में क्या है? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक
2100 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी बीपीएल के नीचे जो है लोग, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनकी बच्चियों को, और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक 2500 रुपए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि ये जो योजना है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, इसमें 1 से 8 तक 2100 रुपए और 9 से 12 तक, ये कक्षा है ना, उम्र मत समझिएगा, कक्षा है। तो कक्षा 1 से 8 तक 2100 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक उनमें कितना रुपये दिया जाएगा, तो 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब इसके बाद। कौन सा राज्य राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है ये पहला ऐसा राज्य है जो कि अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा और साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन भी चालू किया है इसने अपना। ठीक है, इस काम के लिए कितनी राशि दी गई है या स्वीकृत की गई है, तो याद रखिएगा 500 करोड़ रुपये की राशि यहाँ पर स्वीकृत की गई है। करंट अफेयर्स का एक और प्रश्न है, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये, और इसके तहत जो है 500 करोड़ की जो राशि है इसको जो है आवंटित किया गया है। और अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और कुछ बातें तमिलनाडु से रिलेटेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, इम्पॉर्टेंट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. Stalin, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल इम्पॉर्टेंट है यहाँ के, तो राज्यपाल कौन है यहाँ पर, R.N. Ravi हैं यहाँ पर राज्यपाल। R.N. Ravi जो है वो यहाँ पर क्या है, राज्यपाल है। राजकीय पशु भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है। तो राजकीय पशु है यहाँ पर नीलगिरी तहर, ये इसका क्या है, राजकीय पशु है। और राज्य पक्षी क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आप कंफ्यूज हो सकते हैं जब इसका नाम मैं आपको बताऊंगा। तो राज्य पक्षी जो है यहाँ पर तो वो है पन्ना कबूतर। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पन्ना जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में है, लेकिन पन्ना कबूतर जो है वो कहाँ का राज्य पक्षी है, तो तमिलनाडु का राज्य पक्षी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। शासकीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ? तो कथक जो है वो कहाँ पर उत्पन्न हुआ है, तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कितने भारतीय हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो हमारे शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उनकी संख्या याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य की संख्या है 9। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 9। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है बोलिए, भरतनाट्यम। सबसे पुराना कौन सा है, भरतनाट्यम। ठीक है, और इसे कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य की माँ, शास्त्रीय नृत्य की माँ कहा जाता है। और इसी से आप याद रख सकते हैं कि बिल्कुल ये सबसे पुराना है, क्योंकि इसे हम क्या बोल रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य की माँ बोल रहे हैं। ठीक है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये अभी जो हमने पिछला राज्य पढ़ा था, भरतनाट्यम की उत्पत्ति भी वहीं से हुई है, ये है तमिलनाडु। कहाँ से, तमिलनाडु राज्य से, बिल्कुल। और एक और आपने दक्षिण भारत का सुना होगा, मोहिनी अट्टम, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो मोहिनी अट्टम जो है वो है आपका केरल राज्य का, कहाँ का है, तो केरल राज्य का है। ठीक है, तो 3 आपके नृत्य हो गए यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, कथक, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में, और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आधार मित्र खबरों में रहा, निम्नलिखित में से कौन इसका सही ढंग से वर्णन करता है? तो ये आधार नामांकन के लिए कियोस्क है या चैटबॉट है, यह क्या है, एक चैटबॉट है जिसे किसने चालू किया है, तो UIDAI ने, UIDAI ने इसको चालू किया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बिल्कुल याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि ये आ गया है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान
प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो है ये यूईडीआई का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंध रखते थे? तो ये मौर्य वंश से संबंध रखते थे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे कहाँ पर है ये? रायसेन ज़िले में स्थित है, रायसेन ज़िले में स्थित है। और किस धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? हमारा बौद्ध धर्म से। यूनेस्को की विश्व धरोहर है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर 200 रुपये का जो नोट है उसे हम सांची के स्तूप को हम उसमें देख सकते हैं। कहाँ पर दिखता है ये हमें? 200 रुपये का जो हमारा भारतीय नोट है वहाँ पर हमें सांची का स्तूप दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके अन्य नाम भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल काकनाया कहा जाता था इसे, काकनवा, बोटा श्री पर्वत, और क्या कहते थे इसे? बोटा श्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और अशोक की बात करी जा रही है तो अशोक की राजधानी क्या थी? तो अशोक की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। अशोक ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, और बिहार राज्य में भी अगर बात करें तो किस ज़िले में है? चंपारण ज़िले में। कहाँ पर है ये? तो चंपारण ज़िले में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में से आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट है वो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये पता चल जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान से भी सवाल आ रहे हैं। एक मैं आपको मणिपुर के लिए भी बता देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। किबुल लंजो राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा कि ये मणिपुर में है, क्योंकि आजकल जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं वहाँ के, उनसे संबंधित ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। पेंच बाघ अभयारण्य का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पेंच बाघ अभयारण्य का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है पेंच नदी। ठीक है, तो उस नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। कहाँ पर स्थित है? तो सिवनी और साथ साथ में एक और जो है छिंदवाड़ा। तो सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों ही जगह पर ये स्थित है। कौन? पेंच बाघ अभयारण्य। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि अंग्रेज़ी जो लेखक थे रूडयार्ड किपलिंग, क्या नाम था इनका? रूडयार्ड किपलिंग। ठीक है, तो इन्होंने ये एक कहानी लिखी थी द जंगल बुक। क्या लिखी थी इन्होंने? द जंगल बुक। इस बार का अगर आप MPPSC का भी पेपर देखेंगे तो उसमें यहाँ पर ऑप्शन था, तो द जंगल बुक जो है वो इसी से संबंधित थी। किसे? पेंच राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य से। ठीक है, चलिए, तो ये किस पे आधारित है? द जंगल बुक पेंच बाघ अभयारण्य पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद। नीलकंठ तीर्थ और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मांडू में स्थित है ये। ठीक है, पचमढ़ी में क्या स्थित है? तो पचमढ़ी में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है दोस्तों। खजुराहो में आपको पता ही है
आपको यहाँ पर याद रखना है कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित है, और ओरछा में चतुर्भुज मंदिर, ओरछा में चतुर्भुज मंदिर। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल के लिए और बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका जो निर्माण था किसके द्वारा करवाया गया था, तो शाह बड़गाह द्वारा करवाया गया था, शाह बड़गाह द्वारा करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? अकबर की हिंदू पत्नी, अकबर जो थे उनकी एक हिंदू पत्नी थी हरकाबाई, अकबर की हिंदू पत्नी थी, नाम क्या था उनका? हरकाबाई, नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, तो उनके पूजा पाठ के लिए ये मंदिर बनवाया गया था। कौन सी कला का उदाहरण है? इम्पॉर्टेंट है फिर से, अफगान कला, अफगान कला जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, अफगान कला या अफगान की वास्तुकला, ठीक है। अब यहाँ पर जो है और क्या इन जानकारी मिलती है ये भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जानकारी मिलती है अकबर की दक्खन की जीत, अकबर ने जो दक्षिण भारत में जो जीत हासिल की तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में जो जानकारी है वो भी यहाँ की दीवारों पर शिलालेख में दिख जाती है। तो अकबर की दक्खन जीत या विजय, ठीक है। अब इसका एक और नाम याद कर लीजिएगा नीलकंठ महल का, तो नीलकंठ महल का एक और नाम है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये, इमरत ए, इमरत ए दिलखुशा, इमरत ए दिलखुशा के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भोपाल कैस त्रासदी कब घटित हुई? ये हर बार व्यापम की जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसमें आने वाला सवाल है, तो इसका सही उत्तर है 3 दिसंबर 1984, ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इसको। और कौन सी कंपनी थी? तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, कंपनी का नाम क्या था बिल्कुल याद रखना है आपको, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी ये, ठीक है। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो गैस का जो नाम था वो था मिथाइल, जी गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसो साइनेट। और क्योंकि अब केमिकल फॉर्मूला भी उनका पूछा जा रहा है, केमिकल सूत्र पूछा जा रहा है, तो याद कर लीजिएगा CH3NCO, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनको मिलाकर आप ये लिख सकते हैं C2H3NO। देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर, दो कार्बन दिख रहे हैं, दो सी दिख रहे हैं, तो C2H3NO ये भी यहाँ पर दे सकते हैं आपको। तो अगर ये भी ऑप्शन में दिख जाता है और CH3NCO नहीं दिखता है तो आपको जो है इसमें टिक कर देना है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 ट्रॉयका में शामिल होता है और December 1, 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 लीडर समिट 2022 की थीम क्या रहेगी? तो इसकी थीम रहेगी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो इसकी थीम क्या रहने वाली है? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। चलिए तो 2021 में इसका अध्यक्ष कौन था? 2021 में इसका अध्यक्ष देश था इटली, G20 समिट 2021, ठीक है, G20 समिट 2021 इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2022 में कौन था? तो इंडोनेशिया था अध्यक्ष, ठीक है, और पहली बार, ठीक है, पहली बार जो है 2023 में भारत इसका क्या करने वाला है, पहली बार 2023 में भारत मेज़बानी करने वाला है, ठीक है, भारत क्या करेगा इसकी मेज़बानी करेगा पहली बार 2023 में, ठीक है। और कब से चालू हुआ है ये?
तो ये चालू हुआ है 1999 से। कब से चालू हुई है? 1999 से G20 सम्मेलन चालू हुआ है। एक पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको नोट करवा देता हूँ, 2021 में जब इटली इसका आयोजक देश था और इसका अध्यक्ष था, तब भी थीम थी पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी। इस पॉइंट को और नोट कर लीजिए क्योंकि ये पटवारी के पेपर में आपको देखने को मिला था सवाल, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार भी ये रिपीट होगा। तो ये थे 25 मई के करंट अफेयर और जीके के सवाल, और आगे भी मैं आपके लिए जो है करंट अफेयर और जीके और बाकी के भी जो विषय हैं यहाँ पर इंग्लिश साइंस और मैथ्स, इनके भी मैं आपके लिए सवाल लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।